तो भाई अभी ना हमने उधर गांव पैदल जाना है, तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं। जय श्री राम। जय जय हेलो सो गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आपका स्वागत है मेरे गांव पुलना विलेज से। और मौसम भी आज भी ठीक ठाक है, अच्छे बादल हल्के हल्के लगे हुए हैं। तो देखिए भाई, यहां पे सब लोग अपनी भेंट चढ़ा रहे हैं। आज विश्वकर्मा भगवान जी की पूजा हो रही है वहां पे। देखें दोस्तों, आप एक चीज़ देख रहे होंगे, जैसे बसंत ऋतु आती है, फूलदेही आती है और होली का त्यौहार भी पड़ता है, उसी बीच कई छोटे मोटे त्यौहार होते ही रहते हैं। वो सेलिब्रेशन है एक होली का। होली सिर्फ एक दिन का त्यौहार नहीं, पहाड़ों में या कहीं बाहर भी वो 2, 4, 10, 15 एक एक महीने तक का त्यौहार रहता है। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ देख रहे हैं, फूलदेही हुआ, उसके बाद गौ पूजा हुई, उसके बाद कहीं ना कहीं अभी विश्वकर्मा पूजा हो रही है, बसंत ऋतु में जौ उग रहे हैं, हर चीज़ एक होली के साथ मिली हुई है। और यहाँ पर आप देखोगे ना गढ़वाल में, जैसे आप देखोगे वृंदावन ब्रिज में, वहाँ पर जो गीतों में, होली के गीतों में जो सबसे ज़्यादा नाम लिया जाता है भगवान कृष्ण का, विष्णु भगवान, भगवान कृष्ण का जो है सबसे ज़्यादा उनसे ही जुड़ा हुआ ये वाला पर्व माना जाता है होली का त्यौहार। जबकि पहाड़ों में ऐसा नहीं होता। पहाड़ों में क्या होता है कि यहाँ तो जैसे देवभूमि कहा जाता है, देवभूमि ये मानो कि पहाड़, हिमालय जो है हम मानते हैं, कैलाश, हिमालय जो है भोलेनाथ जी का उनका घर है, उनका रहने का स्थान है। तो जब भी कोई पारंपरिक गीत होते हैं, गढ़वाली अपने लोकल गीत होते हैं, तो उसमें शिव भगवान, भोलेनाथ जी का, माता नंदा देवी जी का जरूर आह्वान होता है, कृष्ण भगवान का भी करते हैं, बट स्टिल उसके बावजूद भी हम जो ये वाला त्यौहार है वो सभी को समर्पित करते हैं जो यहाँ पे भगवान रहते हैं, है ना। तो कुछ ऐसा है, अलग अलग रीति रिवाज है। और पहाड़ों में सबसे एक चीज़ होती है, सबसे खास होती है, जो होली के दिनों में होती है, वो होती है गुजिया। तो एक होती है गुजिया, एक होती है गुजिया, तो दोनों में अलग अलग फ़र्क है। आप देखोगे कि जो गुजिया होती है वो मैदे के अंदर फिलिंग वगैरह करके बनाई जाती है, जैसे काजू हो गया, किशमिश हो गया, बादाम हो गया, है ना, बहुत टेस्टी टेस्टी चीज़ें उसमें डालते हैं और तेल में पकाते हैं, या तेल में या कभी कोई घी में भी पका लेता है। बट आप जो गुजिया देखोगे वो मार्केट में हर जगह एक मिठाई की दुकान पर आपको मिलती है, रेड कलर की थोड़ा होती है, पर उसमें ना डबल कोटिंग होती है, मैदे से भी होती है, बाहर से भी अलग कोटिंग होती है, जो मीठा बखर टाइप का होता है ना, तो उससे अलग कोटिंग होती है। दोनों में टेस्ट में काफ़ी अंतर है। और गुजिया बनाने का भी इतिहास है, जो होली में जो रिवाज है मिठाई के तौर पे गुजिया, तो उसका भी एक बहुत ही बड़ा इतिहास है, वो अभी मैं बताता हूँ आपको। तो भाई, जो अपने पहाड़ों का या अपने भारत का इतिहास बुंदेलखंड से मिलता है, कहीं ना कहीं उससे रिलेट होता है, जो बुंदेलखंडी आप समझते हैं ना कि बोली भी होती है, रहन सहन भी होता है, तो वहीं से जुड़ा हुआ है। और साथ साथ ये भी कहिए कि तो वहीं की जो मिठाइयाँ होती है वो आती है। और लेकिन क्या है कि जो फागुन मास की जो पूर्णिमा होती है, जो ठाकुर जी व्रज में, जो ठाकुर जी होता है, ठाकुर जी हम बोलते हैं कृष्ण भगवान जी को, कृष्ण भगवान जी मुरलीधारी उनको बोलते हैं, तो उन्हीं को ये जो यह है भोग चढ़ाया जाता है, गुजिया उसी दिन बनाया जाता है, भोग मिठाई के लिए भोग जो चढ़ाया जाता है ठाकुर जी के लिए। तो ये आज की मिठाई नहीं है कि हम मॉडर्न टाइप में जो है गुजिया बना रहे होंगे, ये लगभग 500-700 साल पहले से ये चलती आ रही है परंपरा, जिसको हम इसलिए गुजिया बनाया करते हैं। मिठाई जो मेन तौर पे आप समझिए गुजिया ही होती है, है ना। पहाड़ों में मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा पहले से गुजिया आई होगी, बट लेकिन बाद में अब लोग गुजिया बनाने लगे हैं, मतलब काफ़ी समय से। बट तो आज मिसु लोग छत में ही हैं भाई, इसके नीचे घास है ना, तो वहाँ ठंडक रहती होगी, तो वहीं सो रखे थे अभी तक, है ना मिशु। ये देखो उसके नीचे स्विप जाते हैं, डर लग रही ना इनको, नीचे मशीन भी चल रही है तो उनका आवाज़ से डर लग रही, इसलिए आज ऊपर ही है। तो भाई दिन का समय हो गया और लंच भी करते, इतनी गर्मी हो रही है ना, धूप में रहने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, मतलब अजीब सा गर्मी हो रही है। गर्मी स्टार्ट होते ही बिल्लियों की आ जाती आफत, कुत्तों की भी बहुत। देखो जैसे मिशु यहाँ पे अभी अंदर पे ही बैठा है, उसको लग रही ना बाहर पे गर्मी है। मिशु गर्मी लग रही तेरे को, सो जा सो जा। इसकी सिस्टर पता नहीं कहाँ पे है और ये चुपचाप यहीं पे। तो
इन पे जितनी रफ्तार से फूल आए थे ना, उतनी रफ्तार से झड़ने भी लग गए भाई फूल, क्योंकि अब फ्रूट्स लगने शुरू हो जाते हैं। कितने प्यारे लगे ये देख, थोड़ा सा अगर मैं पेड़ उलाऊंगा तो सारे पत्ते झड़ने शुरू हो जाते हैं। देखो ज़मीन पे कितनी पत्तियां खुद झड़ रखी हैं। बाकी आज अजीब सा मौसम हो गया, पता नहीं, देखो ऊपर ख़राब ख़राब सा भी लग रहा है और धूप भी बहुत ज़बरदस्त हो रही है, तेज़ तेज़ हो रही है। तो कल रात में भाई यहाँ पे ना बाघ आया था, क्योंकि कल रात को जब मैं उठा तो बहुत सारे कुत्ते रो रहे थे, मतलब एक दो कुत्ता बहुत जो दर्द से रो रहा था। तो फिर मैं बाहर आया लेट तक, उससे पहले ताई जी आ गई थी जो बगल में रहती हैं ताई जी, तो उन्होंने टॉर्च लगा के देखा तो बाघ, बाघ के मुंह पे मतलब एक छोटा सा कुत्ता था, वो तो चलो और बहुत सारे कुत्ते थे तो उस वजह से उसने यहीं पे छोड़ दिया था, इधर ही कहीं डॉगी को छोड़ा, डॉगी भाग गया और बाघ इधर से भाग गया। तो गांव में बाघ को उठा, सॉरी कुत्तों को उठा के बाघ ले जा रहा है आजकल, तो डर का माहौल है भाई। और मैं कल ऐसे ही निकल गया एक डंडा लेकर के, मुझे लगा कुत्ते आपस में लड़ रहे होंगे तो मैंने कहा उनको छुड़ाता हूँ रात को 11:30 बजे। वो तो अच्छा हुआ मैं इधर तक नहीं आया, नहीं तो मुझे ना ले जाता बाघ। तो है पहाड़ों में कुछ ऐसे ही होता है, कुत्ते बेचारे उठा के ले जाते हैं। तो अरे यहाँ पे भाई घर के बगल में ताई जी लोग आड़सा बना रहे हैं, ये पहाड़ी मिठाई होती है, देखो गुड़ डालते हैं इसमें, गुड़ घी और के क्या डाले हैं, सौंप वगैरह सब डालते हैं। भैया बन रखे हैं कुक। तो भाई चैत्र के महीने में बनाई जाती है कलियो, अपने हाथों से बनानी पड़ती है, बाजार वाली मिठाई नहीं चलती है। तो जैसे ताई जी है, ताई जी देंगी दीदी जी को, जो यहाँ से पांडुकेश्वर है उनका अपना क्या बोलते हैं ससुराल उनका जो है पांडुकेश्वर है, यहाँ माइका है, तो माइके की तरफ से उनको जा रहे हैं कलियो। पुराने जमाना की परंपरा है, तो ये परंपरा पुराने टाइम से है भाई। अब तो ऐसा है कि मार्केट से भी मिठाई लेकर के जा सकते हैं, लेकिन अपने हाथ से बना करके ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बना रहे हैं ऐसा भी बना रहे हैं यहाँ पे देखो भाई, इन्हीं की तरह एक और होता है मिठाई, उसको रोटना बोलते हैं। रोटना और इसमें क्या अंतर बोलते हैं रोटना ये? अच्छा रोटना आटा का बनता है और ये चावल का बनता है, चावल में गुड़ वगैरह सब मिला रखा है, काफ़ी टेस्टी होता है। देखो तो मुझे लग रहा है ये अमेरिका भी जाएंगे, अभी नहीं जाएंगे। तो दीप्पी दीदी वहीं रहती है तो उनके लिए पहुँचाना मुश्किल हो जाएगा यहाँ से। हाँ मोबाइल पे दीदी को मैं बोल रहा हूँ, मोबाइल पे आप ये खा लो आर से, ये देखो बाघ वगैरह भैया ने भी देखा था रात को, तो हम भी निकले बाहर लेकिन तब तक वो कुत्तों को भगा दिया था हमने, तो बाघ वगैरह का डर है, ध्यान से रहना पड़ता है। तो दोस्तों अभी रात के बज चुके हैं 8 और अभी हम जाने वाले हैं लामबगड़। उसका रीज़न ये है कि वहाँ पे रामलीला चल रही थी तो सोचा आज के दिन एक दिन चले जाएं, बहुत सारे लोग गए हुए हैं गांव से भी, जाते रहते हैं एक दो दिन तक, क्योंकि 8-10 दिनों की पता नहीं कितने दिनों की रामलीला होती है। फाइनली बैठ चुके हैं गाड़ी में और यहाँ पे अपना ड्राइवर भी है तैयार, कृष्णा चौहान, शैलेश, मैं, विपिन भाई, अंशुल और अखिलेश सब जा रहे हैं, निकलते हैं पुलना गांव से इस अंधेरे में। और केशव भी है, केशव तो कुतकुरा धार में लास्ट एंड पे उसका घर है तो उसको भी वहाँ से पिक करके साथ। तो भाई अभी ना हमने उधर गांव पैदल जाना है, थोड़ा पैदल रास्ता, पर गाड़ियाँ इतनी लंबी लाइनें लगी हैं, मतलब बहुत सारे आसपास के गांव के लोग रामलीला देखने आए हैं, देखो आ ही रहे हैं। तो चलते हैं, थोड़ा पैदल होगा 20 मिनट का रास्ता और रामलीला भी स्टार्ट हो चुकी होगी। तो भाई अभी इस पुल से जा रहे हैं, थोड़ा सा पैदल है 15 मिनट का, तो गाँव थोड़ा आ गया, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तो वही ये देखो गांव और नीचे है स्टेज, थोड़ा पैदल पैदल भी चलना पड़ेगा। तो ये देखो स्टेज है कुछ नीचे और हम आगे ऊपर छत में बैठने के लिए। तो भाई स्टेज भरा हुआ है, पूरा खचाखच भरा हुआ है, देखो हमें इतने दूर आना पड़ा और यहाँ से दिखे ना दिखे कुछ भी हो सकता है। तो जी ये देखिए रामलीला हो गई शुरू, तो ये होंगे लक्ष्मण जी, ये होंगे राम जी। बदन की शोभा श्याम मला गोरे
नया सीन चेंज शुरू हो गया। राम जी अभी आएंगे और यहाँ पे मुझे लगता है ये देखे भाई कितनी जल्दी सीन शिफ्ट हो जाता है। नाम राजा सिकंदर फ्रॉम जलंधर अशून्य माया चल स्वयं पर और इसीलिए आ रहा हूं अंदर। तो जी रावण भी आ गए थे। देखो दशानन भी गए थे इनको और ये इधर राम भगवान जी भी आ रखे हैं। तो भाई राक्षस भी आ गए क्योंकि सीता माता के स्वयंवर में बहुत सारे राजा आए थे राक्षस से लेकर के हर कोई। अरे बराती है तेल लगाओ थोड़ा पकड़ दोबारा पति का आ जाए तो जाओ। बल दिखा चुके हैं आपने धनुष को छुआ तक नहीं। क्या आप शिव जी के धनुष को छूना भी बड़ा भारी पाप समझते हैं? आप धनुष को देख कर ही डर गए हैं। आज आपके दसोसी डगमगा रहे हैं। बाणासुर जो कथा बकवास कर अपने तीखों वचनों से मुझे ताड़ा मारता है। मैं यूं ही सीता को उठाकर ले जा सकता हूं। मेरे सामने से सीता को उठाकर ले जा सके यो लो मैं खड़ा हूं। सब तजियत
राजा जनक जी कह रहे हैं सभी राजाओं से कि वो धनुष नहीं उठा पाए, काफ़ी दुखी हैं क्योंकि वो छू भी नहीं पाए धनुष को, तो काफ़ी दुखी हैं कि वो कुंवारी रखेंगे इस माता सीता को, कुछ ऐसे अपने पाठ में बोल रहे हैं। जो जनक जी हैं उनका आंसर करते हैं लक्ष्मण भगवान जी क्रोधित होकर के, क्योंकि बिना राम भगवान जी के सामर्थ्य देखे उन्होंने इतनी बातें कही। ये देखो कोई भी रघुवंशी रहता है उस सभा में ऐसी अनुचित बात कोई नहीं कहता जैसा कि राजा जनक ने कही है। हे महाराज, यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो कमल के डंडी के समान इस धनुष को तोड़ डालो, और यदि ऐसा न कर सका तो प्रभु के चरणों की शपथ, फिर मैं धनुष और बाण को कभी हाथ में नहीं लूंगा। परशुराम की हो चुकी है एंट्री, जैसी शिव धनुष टूटता है, क्योंकि परशुराम ही भेंट देते हैं राजा जनक जी को। तो देखो परशुराम तो भाई काफी देर तक संवाद हुआ लक्ष्मण भगवान जी और परशुराम जी के बीच में, और उसके बाद राम भगवान जी के बीच में संवाद होने के बाद सब कुछ शांत हो गया मामला। तो सर फिलहाल बहुत ही मज़ा आया, और अभी ठंडा हो गया है, लगभग 12 बज चुके हैं, अब घर पहुंचने में भी आधा घंटा लग जाएगा। फिलहाल पैदल चल रहे हैं, और गांव के काफ़ी लोग हैं, सब आए हुए हैं, बहुत सारे लोग आए थे, क्योंकि ये सीन थोड़ा इमोशनल होता है। पूरी वीडियो तो नहीं बनाई, पूरी वीडियो बनानी होती तो आज की जो ब्लॉग है वो 4 घंटे का होता है। उम्मीद करता हूँ थोड़ा बहुत आपको मज़ा आया होगा, बाकी कॉमेडी
सीन्स भी थे और मज़ा भी आया, इमोशनल भी थे, अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है। तो दोस्तों इसी साथ ब्लॉग को एंड करते हैं और मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, लव यू ऑल, बाय दोस्तों।